बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो एक नोटिफिकेशन मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था, उस बारे में मुझे पहले से भी पता था, लेकिन बस उसके पहले मैंने सोचा हर किसी को पता होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस नोटिफिकेशन पर लाजमी जो है वो वीडियो बना दें। जो नोटिफिकेशन आपको जो इटली मैस की तरफ से आया है वो नोटिफिकेशन है, और उसी के साथ साथ कि ये क्यों ये जो है अम्बेसी जो है वो बंद होने जा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। तो ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर मैंशन है, डियर एप्लीकेंट्स, एज पर इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्राम इटालियन एम्बेसी, इटालियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर विल बी रिमेन क्लोज ऑन बिलो मैंशन डेट्स, इस्लामाबाद 10 अप्रैल 2023, ठीक है, और लाहौर में भी 10 अप्रैल 2023, यानी कि सोमवार वाले दिन जो है वो वीज़ा सेंटर जो है जो इस्लामाबाद के अंदर है और जो लाहौर के अंदर है और इवन के अम्बेसी, वो 10 अप्रैल को बंद होगा। अब ये जब आपको जिन लोगों को अभी नहीं पता, तो वो फ़ौरन से उनके दिमाग में ये बात आएगी कि ये क्यों बंद हुआ है। तो ये जो ईस्टर होता है, ईस्टर के बाद जो फर्स्ट मंडे होता है, उस मंडे को इटली एम्बेसी हमेशा से ही बंद होती है। लाइक संडे को ईस्टर है, तो उसका जो फर्स्ट मंडे होता है, ईस्टर आफ्टर मंडे जो होता है वो क्लोज होती है। तो यूरोपियन यूनियन में यहाँ क्रिश्चियन जहाँ पर भी रिलीजन होते हैं, तो उनका कोई नेशनल डेज होते हैं, उस वजह से ये जो है वेरी नेक्स्ट डे को जो है वो क्लोज रखते हैं। लाइक जैसे आपकी ईद वगैरह होती है, तो आपके एक तो ईद होती है, साथ में 2 दिन मजीद आप छुट्टी करते हैं, यानी कि 3 दिन की ईद करते हैं। तो इसी तरह जो है ये ईस्टर है इनका, तो ईस्टर के साथ जिस भी संडे को ईस्टर आता है, जो भी डेट होती है, उसके वेरी नेक्स्ट डे जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली छुट्टी होती है। तो पाकिस्तान के अंदर हो या ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इटली मैसी है, उस पर कानून जो है वो इटली गवर्नमेंट का ही चलता है। तो पूरे इटली में अगर छुट्टी है, तो पाकिस्तान के अंदर जो अम्बेसी है वहाँ पर भी ये जो है वो छुट्टी होगी। तो इस नोटिफिकेशन का ये मकसद मतलब है कि अब बेशक आप इस्लामाबाद जारी में भी चले जाएंगे या लाहौर जारी में भी चले जाएंगे, तो उस दिन जारी तो ओपन होगा, लेकिन स्पेसिफिक जो विंडो होगी इटली एम्बेसी की वो क्लोज होगी। तो ये नोटिफिकेशन आपको बताने का मकसद ये था कि आप अपने जहन में रखें कि मंडे को जो है वो लाहौर जारी और जो इस्लामाबाद जारी है दोनों ही क्लोज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्लोजर नोटिस। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर प्यार दिखाएंगे, अल्लाह हाफिज़।